इस दुनिया में, खासकर इस देश में 95% लोग उस चीज के बारे में सोचते हैं जो उनके हाथ में है ही नहीं। सर, मुसीबत आती है परिवर्तन करने के लिए। यह मुसीबत का बहुत बड़ा पहलू है सर। मतलब जीवन में कहीं भी संघर्ष खत्म नहीं होता। हम किसी भी घटना पर तुरंत निर्णय ले लेते हैं। आपको भगवान के निर्णय के बारे में क्या पता सर? सर, हर मुसीबत कुछ जीवन में परिवर्तन करने के लिए आती है सर। इस दुनिया में, खासकर इस देश में 95% लोग उस चीज के बारे में सोचते हैं जो उनके हाथ में है ही नहीं। क्या? फल। सर, आपको पता ही नहीं कल क्या होने जा रहा है। तो जब हमें कल का पता ही नहीं तो हम आज में रहे। और जितने लोगों ने अपने आज को सुधारना शुरू किया उनका कल बेहतरीन हो गया। क्योंकि जो कल के बारे में सोचते हैं वो आज कुछ कर ही नहीं पाएंगे, और जो पास्ट के बारे में सोचते हैं वो कुछ करेंगे। दो लोग निष्क्रिय हैं। जो कल के बारे में सोचते हैं वो तो थोड़ा बहुत कुछ करेंगे भी, लेकिन जो पास्ट के बारे में सोचते हैं, हमारे पिताजी गवर्नर थे, रहे होंगे, बहुत लोगों के पिताजी गवर्नर थे। सर, मुसीबत आती है परिवर्तन करने के लिए। यह मुसीबत का बहुत बड़ा पहलू है सर। मुसीबत जब भी आई, ये मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, उन्हें गांव से भगा दिया गया। तो बेचारे भगोड़े हो गए, वो गांव वालों ने भगा दिया, वो कोई पीछे था नहीं तो गांव वालों ने भगा दिया। तो मां बाप दोनों बेचारे इधर उधर अपना भाग भटकते रहे। तो एक बार मैंने आपसे उनसे पूछा कि आपको बदला लेने की इच्छा नहीं हुई? बोले, पागल, मुसीबत आती है कुछ बड़ा करने के लिए अगर आप जागृत हैं। मैंने कहा, कैसे? बोले, राम राजा बनने जा रहे थे, मेरी आदत है क्रॉस क्वेश्चन करने की। मैंने कहा, कैसे? बोले, राम राजा बनने जा रहे थे। मैंने कहा, हाँ। बोले, मुसीबत आ गई? हाँ। मैंने कहा, बिल्कुल। बोले, 14 साल जंगल में रहे? मैंने कहा, हाँ। बोले, उसी जंगल में रहकर भगवान बने। अगर राम के जीवन में जंगल को हटा दिया जाए, उस 14 साल की साधना को हटा दिया, आप देखिए 14 साल की साधना। पिताजी ने कहा कि देखो मुसीबत आई? मैंने कहा, हाँ। बोले, वो मुसीबत को मैं उन्होंने मजा लेना शुरू कर दिया। तैयार है? पिता दशरथ कह रहे हैं कि तू मना कर दे, वादा तो मैंने किया था ना, तू मना कर दे कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं देख लूंगा। अरे, बोले, नहीं, जाना तो है। और ये इस बात का संदेश है कि हर व्यक्ति को, वो चाहे भगवान ही क्यों ना हो, कितना बड़ा संदेश है कि हर व्यक्ति को इस जीवन में संघर्ष करना है। जो हंसकर करेगा वो राजा बनेगा, करना ही करना है सर। कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जिसको संघर्ष ना करना पड़ा सर। लेकिन जिसने संघर्ष में मजा लेना सीख लिया, आप अगर बहुत गौर से जीवन को देखें, तो हम जब क्लास 10th में थे तो हमारी माता जी हमसे कहती थी कि बेटा, 10th की पढ़ाई अगर कायदे से कर लोगे ना, बस 3 ही साल जीवन में पढ़ना है। मैंने कहा, अच्छा? हाँ। बोली, बस 3 साल, 10th 11th 12th, और 3 साल अगर पढ़ लिए फिर जीवन में पढ़ना ही नहीं। हमें लगता है आपको भी कहा गया होगा कि बस 3 साल, अब आपने पढ़ लिया, 97.8% आपके मार्क्स आ गए। अब पता चला कि भैया अगर IIT निकल जाए, मेडिकल निकल जाए, KGMC मिल जाए, अरे फिर तो जीवन, आपने फिर से दम लगा दिया, IIT भी निकल गया। अब जब आप IIT से निकल आए तो फिर एक और बवाल हो गया, आपके मोहल्ले का एक लड़का IAS हो गया, पूरा खानदान में दहेज को दहेज में BMW मिल गई, 10 करोड़ कैश मिल गया। अब आपके पिताजी फिर आपकी तरफ पलटे कि तुम तो वैसे भी इस परिवार के चंगेज खान हो, तुम्हें किस बात का डर? तुमने कहा, हाँ, चंगेज खान तो मैं हूं। हाँ, बोले, जब मामूली सा ये सिंह साहब का लड़का अगर IAS बन सका, तुम्हारे लिए क्या है? तुमने कहा, बिल्कुल, हमारे लिए क्या है? और तुमने झोरा डंडा उठाया और बाबूजी का पैर छुआ कि बाबूजी चल रहे हैं, अब दिल्ली फतेह करके आएंगे। चलो, फिर IAS बन गए, फिर बन गए। आप देखो, जिंदगी में कहीं भी संघर्ष खत्म नहीं हो रहा है, रूप बदलते जा रहे हैं, रूप कहीं भी संघर्ष का। फिर यह हुआ कि भाई IAS बन गए, अब चलो शादी हो गई, मजा आएगा। फिर एक धोखा आ गया, मजा आएगा भाई, शादी हो गई। फिर 6-7 महीने अपना आनंदित हुए, घूमे टहले और बड़ी बधाइयां आई और ये आया और वो आया, फिर बच्चे हो गए, फिर एक नया संघर्ष शुरू हो गया, फिर अब बच्चों की जिंदगी बनाना। मतलब जीवन में कहीं भी संघर्ष खत्म नहीं होता। तो जब संघर्ष खत्म नहीं होता तो क्यों ना मजा लेके संघर्ष किया जाए। और जितने लोगों ने मजा लेके संघर्ष किया उन्होंने इस दुनिया पर राज किया, राम को भगवान बना दिया। मुसीबत अगर आप जागृत हैं, एक आदमी था चाइना में, उसके पास एक बड़ा जबरदस्त घोड़ा था। कैसे? जो व्यक्ति जागृत होता है उसका मुसीबत कुछ नहीं कर पाती। बहुत बड़ा नियम है जागृति सर, होश में रहना बहुत बड़ा नियम है।
तो चीन में एक आदमी था किसी गांव में, उसके पास एक बड़ा नायाब घोड़ा था, बहुत नायाब, मतलब हवा से ज्यादा स्पीड थी घोड़े की। तो उस देश के राजा ने उस आदमी को बुलाया, कहा तुम अपना घोड़ा मुझे दे दो, तुमको मैं मुंह मांगी कीमत दूंगा। उस आदमी ने कहा कि सरकार घोड़ा तो ना बेचेंगे। अरे लोगों ने समझाया कि पागल हो, तुम क्या करोगे घोड़े का, और इतना पैसा राजा तुमको दे रहा, भेज दो। अरे उसने कहा यार तुम लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हो, जाओ अपना काम करो, हम नहीं फायदा ले रहे ना, जाओ। एक दिन क्या हुआ, घोड़ा भाग गया। अब जब घोड़ा भाग गया तो गांव के लोग आए हंसने लगे, कहीं देखा हम तुमसे पहले ही कहते थे, तुम समझे नहीं रहते हमारी बात को। अरे उसने कहा बड़े भाई घटना सिर्फ इतनी है कि घोड़ा भाग गया है, बस इसमें ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। वो चला गया तो चला गया, मैं क्या करूं, लड़ना जी पागल, तुम्हारा नुकसान हो गया, बोले कोई नुकसान नहीं। 10-15 दिन बीता, एक दिन घोड़ा वापस आ गया और अपने साथ 20 घोड़े और लाया अपनी तरह के। गांव वाले फिर आए, कहीं बेटा तुम बहुत चालाक आदमी हो, तुमको पता था कि कुछ कांड करने गया है, बड़ा बढ़िया यार तुम तो बड़े फायदे में हो यार, पहले तो अकेले था अब तो 20 ले आया। उन्होंने कहा यार तुम लोग राय देने क्यों चले आते हो यार बार बार, अरे घोड़ा चला गया था वहां गया अपने साथ 20 घोड़ा और ले आया, घटना बस इतनी है, इसमें बहुत ज्यादा खुशी होने की कोई बात नहीं। पड़ोसी राज्य ने उस राज पर हमला कर दिया। अब जो 9 घोड़े आए थे उसमें से एक घोड़े को इस किसान का बेटा ट्रेन कर रहा था, घोड़े से गिरा, उसका दोनों पैर टूट गया। गांव वाले फिर आए कि बड़ा बुरा हुआ यार, बताओ तुम्हारे लड़के का दोनों पैर ही टूट गया। बोले यार तुम लोग शांत नहीं रह सकते हो, अपना निर्णय अपने पास नहीं रख सकते हो। ठीक है यार पैर टूट गया, देखेंगे भगवान कुछ करना चाहता होगा, अच्छी बात है जाने दो। उसी वक्त पड़ोसी राज्य ने इस राज्य पर हमला कर दिया, गांव के जितने भी जवान लड़के थे सब सेना में बुला लिए गए, सिर्फ किसान का बेटा बचा क्योंकि उसके पैर टूटे हुए थे। हम किसी भी घटना पर तुरंत निर्णय ले लेते हैं, आपको भगवान के निर्णय के बारे में क्या पता सर? सर हर मुसीबत कुछ जीवन में परिवर्तन करने के लिए आती है सर, अगर आप जागृत हैं तो। क्योंकि पिताजी कहते थे कि बेटा हम तो मध्यम वर्ग के लोग हैं, हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। ये हमारे पिताजी हमसे हमेशा कहते थे कि हम तो बेटा मध्यम वर्ग के लोग, हम कौन सा मुगल खानदान के लोग हैं। तो तुम ये कभी मत सोचना कि तुम हारोगे तो बेइज्जती हो जाएगी, तुम अकबर के बेटे थोड़े हो, तुम तो एक डाकखाना के बाबू के बेटे हो, तो तुम्हारे हारने से तुम्हारी बेइज्जती तो कभी होगी ही नहीं। तारीफ कुछ लोग जरूर करेंगे कि फलाने का लड़का लड़ाई किया, आपको क्या डरने की जरूरत है सर? आप क्यों सोचते हैं मेरी बेइज्जती होने दो सर कि लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। लोग सिर्फ मुर्दे पर नहीं हंसते, जो जिंदा है उस पर तो लोग हंसेंगे ही सर। अगर लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं इसका मतलब आप जिंदा हैं, अगर लोग आपको पीठ पीछे गाली दे रहे हैं इसका मतलब आपने चमकना शुरू कर दिया है, अगर लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं तो आप कहीं बहुत आगे बढ़ रहे हैं सर। ये सब दिशा सूचक यंत्र हैं, गाली आलोचना। पर हमारे मिडिल क्लास के पेरेंट्स हमको बहुत डराते हैं, बहुत पेरेंट्स को बेटा बेइज्जती मत कराना, मैं तुगलक वंश के हो बेइज्जती मत कराना, कि मौर्य वंश के हो। अंबेडकर की बेइज्जती हुई उन्होंने मजा लिया भगवान बन गए, गांधी की बेइज्जती हुई उन्होंने मजा लिया भगवान बन गए, चाणक्य की बेइज्जती हुई मजा लिया भगवान बन गए। बेइज्जती तो बहुत जरूरी चीज है सर जीवन में, वो ऑक्सीजन पैदा करती है, ऑक्सीजन, जज्बा, टेम्परामेंट, बेइज्जती बहुत जरूरी है सर, डरने की कोई बात नहीं। जय हिंद।